हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पोस्ट ऑफिस के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर ब्रांच पोस्टमास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर। ठीक है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को थरोली एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं, तो आज से ही जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है एंड 11 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड करेक्शन के लिए या फिर कोई भी एडिटिंग की जरूरत है तो उनके लिए यहाँ पे 12 टू 14 डेट्स रखा गया है, 12 जून से लेकर 14 जून तक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्केल दिए हुए हैं, तो बीपीएम दैट इज ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपका 12,000 रुपीज पर मंथ, उसके साथ डीए मिलेगा डियरनेस अलाउंस, एंड फाइनल सैलरी आपका होगा 29,380 रुपीज पर मंथ एंड प्लस आप उसके साथ आपका डियरनेस अलाउंस मिलेगा। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए स्टार्टिंग सैलरी रहेगी यहाँ पे 10,000 रुपीज पर मंथ प्लस डीए, एंड फाइनल सैलरी होगा 24,470 रुपीज पर मंथ प्लस डीए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है एंड उसके पहले जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। ठीक है, तो वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे, जो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस वगैरह होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना होता है, यही सब मतलब रहता है आपके जॉब में, तो बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे जो आपका अगर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो एंगेजमेंट से पहले ही आपका जो है यहाँ पे एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी फैसिलिटीज यहाँ पे दिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है इसीलिए। उसके साथ साथ देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखा गया है, वो आपको जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनके पोस्टल ऑपरेशन में आपको असिस्ट करना होता है एंड सारे सेल ऑफ स्टैम्प्स और स्टेशनरी, ठीक है, जो मेल है उसको डिलीवरी करना होता है डोर स्टेप्स। ठीक है, ये सारे जो काम होता है ये आपको करना होगा। ठीक है, तो डिटेल्स में आप चेक कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 40 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए नो रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 इयर्स एंड पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 इयर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है 10th स्टैंडर्ड आपको पास होना है। ठीक है, अगर आप 10 क्लास 10 पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको जो मतलब जिस सर्कल में आपको अप्लाई करना है उसी सर्कल का जो यहाँ पे लैंग्वेज डिमांड किया गया है वो लैंग्वेज आपका 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए एज कंपल्सरी या फिर एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब मान लो कि आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया है बट इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका हिंदी मतलब था, तो फिर जिस सर्कल में हिंदी यहाँ पे डिमांड किया गया है तो उसी सर्कल में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं एंड अप्लाई करने का जो सारा प्रोसीजर है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, मतलब यहाँ पे जाके एप्लीकेशन का मैं लिंक दिखा दूंगी, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसी वेबसाइट में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका परसेंटेज वगैरह, आपका 10th स्टैंडर्ड में कितना परसेंटेज आया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट को मतलब तैयार किया जाएगा एंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेड, ग्रेड पॉइंट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यहाँ पे टैबुलेट किया गया है, जिनको नहीं आता है करना वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सीधा चलते हैं एप्लीकेशन फीस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, कि आपको मतलब स्कूटर राइड करना या फिर मोटरसाइकिल राइड करना आता है, वो एक डिक्लेरेशन आपको देना होगा, तो उसी का फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है। ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, फीस को एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, पेमेंट आप नेट बैंकिंग, यूपीआई के या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसका क्या साइज रहने वाला है, क्या फॉर्मेट चाहिए, वो यहाँ पे टैबुलेट किया गया है, मतलब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, वो आप चेक कर लेना क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे चाहिए ये सारे चीजें। ठीक है, तो उसके पहले ही मतलब प्रिपेयर करके रखना। उसके बाद देखिए फिर से अंडरटेकिंग का यहाँ पे जो है फॉर्मेट है,
ये सारी चीज आपको देना होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आपको प्रोवाइड करना है, जैसे ओरिजिनल मार्कशीट्स, ठीक है, ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका जो है यहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, तो सारे सब कुछ आपको जो है आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन 16 पेजेस का है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से, मतलब बहुत आज ही मतलब शुरू हुआ है आज से एप्लीकेशन, तो जरूर अप्लाई कीजिए। अब देखिए कहाँ से आपको मिलेगा ये, पहले तो आपको जो पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट है वहां पे जाना होगा एंड रिक्रूटमेंट टैब में क्लिक करके आपको ये टैब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो ऑनलाइन जीडीएस रिक्रूटमेंट है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा टैब ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नोटिफिकेशन करके, तो नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये 16 पेजेस का जो नोटिफिकेशन है ये आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके जो अप्लाई लिंक आपको दिखेगा उसमें अगर क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये अप्लाई का जो टैब है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सर्कल अप्लाइंग फॉर, कौन से सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करके मतलब फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ट्राई करते रहिए, ठीक है, आपको आपकी जो पसंदीदा जॉब है वो जरूर मिल जाएगा। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, आपके मन में कोई भी डाउट्स है शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, क्योंकि वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन को अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।